दोस्तों, क्या आप एलियन से मिलना चाहते हैं या क्या आपकी कभी दूसरी दुनिया में जाने की इच्छा करती है? अगर हाँ, तो चलिए आज आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ परग्रही एलियंस के अनुभव आपको वैसे ही हो सकते हैं जैसे अपने घर में स्वजनों के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यमय के यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आप पा सकते हैं हमारे वीडियोस को सबसे तेज और सबसे पहले। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो है तो इसी दुनिया में, लेकिन वहाँ जाने पर आपको निश्चित रूप से दूसरी दुनिया के नज़ारे दिखाई देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम त्रिकोण यानी एम ट्रायंगल की। इन दिनों शोधकर्ताओं के लिए रूस के परम प्रांत का एम त्रिकोण एक अबूझ पहेली बना हुआ है। मास्को से लगभग 600 मील पूरब की ओर उराल पर्वतों के पास परम और स्वर्दलोवस्क क्षेत्र की सीमाओं पर मोल्योपका नाम का एक गांव है। उस गांव के विपरीत दिशा में सिल्वा नदी के किनारे का जो पूरा क्षेत्र है उसे मोल्योपका त्रिकोण या मोल्योपका ट्रायंगल या आम भाषा में एम ट्रायंगल कहते हैं। इस जगह की विचित्रता बहुत कुछ बरमूडा ट्रायंगल से मिलती जुलती है, इस वजह से भी इसे एम ट्रायंगल कहते हैं। किसी समय यह क्षेत्र वहाँ के स्थानीय मानसी लोगों के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता था। रूस के सर्वाधिक रहस्यमय क्षेत्रों में से एक माने जाने वाला यह क्षेत्र 1980 में पहली बार प्रकाश में आया जब यहाँ पर रहस्यमय आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। यह रहस्यमय घटनाएं परम क्षेत्र के एम ट्रायंगल के 70 वर्ग मील में होती हैं। रूस के इस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। दैनिक जीवन में होने वाली सामान्य घटनाओं की तरह यहां असामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे आकाश के बादलों से नीचे धरती पर आती हुई प्रकाश किरणें, हवा में उड़ती हुई विचित्र तरह की उड़न तश्तरियाँ, घने जंगलों की गहराइयों से अचानक बाहर आती विचित्र किंतु बिल्कुल पारदर्शक चीज़ें, कभी कभी आकाश में बनने वाले अनोखे चिन्ह व अक्षर तथा दूसरी दुनिया से आने वाली बिल्कुल ही अजीब तरह की आवाज़ें। इस अचानक उठने वाली रहस्यमय आवाज़ को जड़ीकृत ध्वनि का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप इस एम ट्रायंगल में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठे हों तो आपको लगेगा कि कोई ट्रैक्टर आ रहा है। आप उसके आने का इंतज़ार करते रहेंगे लेकिन आसपास कोई ट्रैक्टर नहीं होगा और धीरे धीरे वह आवाज़ कम होते होते गायब हो जाएगी। शोधकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि उन्होंने ट्रैफिक की ध्वनि और ऐसी गाड़ियों की आवाज़ रिकॉर्ड करी जो तेज़ रफ्तार से बिल्कुल बगल से निकलती हुई प्रतीत हुई, परंतु हैरानी की बात यह थी कि सबसे नज़दीक की सड़क वहाँ से 40 किलोमीटर दूर थी, तो फिर गाड़ियों की आवाज़ें कहाँ से आई? उन्हें वहाँ पर कई बार बिना किसी वाद्य यंत्र के ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ें सुनाई दी और आकाश में विचित्र चिन्ह एवं आकार बनते दिखाई दिए। कुछ महीनों तक शोध करने पर ऐसा पाया गया कि इस अकेली वीरान जगह पर कुछ दिन गुजार कर मंदबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान और चालाक बन जाते हैं। इस जगह पर आने वाले हर व्यक्ति को कुछ अज्ञात और चमत्कारिक शक्तियों की उपस्थिति का एहसास जरूर होता है, मानो वह इस दुनिया से अलग कोई अलग ही दुनिया हो। एक अनूठे उदाहरण के अनुसार, एक बिल्कुल बेरोजगार और सेना से ठुकराया हुआ व्यक्ति यहाँ 2 हफ्ते व्यतीत करने के बाद बतौर अंतरिक्ष यात्री की उच्च क्षमता वाली नौकरी के लिए चुना गया। एक और विचित्र बात इस इलाके में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। इस इलाके में विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क होने के बावजूद फ़ोन काम नहीं करते, लेकिन एक मिट्टी का टीला है जिसे कॉल बॉक्स कहते हैं, उस पर चढ़कर कॉल संभव हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि उस छोटे से टीले पर चढ़ते ही आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कॉल कर सकते हैं और उस मिट्टी के ढेर से उतरते ही आपकी कॉल कट जाती है। इस स्थान पर उड़न तस्तरी जैसे विचित्र उड़न खटोलों का दिखना एक आम बात है। इस क्षेत्र में सिल्वा नदी के किनारे वाले इलाके में अचानक हवा में आग की लपटें उठती हैं। एक रशियन लेखक अलेक्जेंडर म्योकचेंकोव, जिन्होंने UFO अनअनाउंस्ड विजिट नाम की एक किताब भी लिखी है, बताते हैं कि यद्यपि इस इलाके में जो घटनाएं घट रही हैं उन पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन फिर भी
इन घटनाओं की तुलना दुनिया के किसी भी अन्य भाग में घटने वाली विचित्र घटनाओं से नहीं की जा सकती, वो उन सब से अलग है। अलेक्जेंडर तो ये भी दावा करते हैं कि जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो कभी कभी अपने अंदर अद्भुत अतिमानवीय क्षमताएं अनुभव करते हैं, जैसे वो एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि सुपरमैन बन गए हों। एक दूसरे रशियन लेखक एमिल बुचरिन ने भी अपनी टीम के साथ यहाँ का दौरा किया था। अपने अनुभवों को उन्होंने इसी विषय पर लिखी गई अपनी एक पुस्तक में समेटा। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि यहाँ होने के दौरान आपको बिल्कुल ही अजीब और विचित्र तरीके के अनुभव हो सकते हैं। कभी वो शानदार हो सकते हैं तो कभी कभी थर्रा देने वाले भी हो सकते हैं। अपनी टीम के अनुभवों को साझा करते हुए वो इसमें लिखते हैं कि एकदम शुरुआत में ही उन लोगों की मुठभेड़ एक विचित्र शक्ति स्रोत से हुई। वो क्या चीज़ थी ठीक से समझ नहीं पाए वे लोग, लेकिन वो एक प्रकार की शक्ति स्रोत ही थी। दिखने में बिल्कुल पारदर्शी उस शक्तिपुंज ने वहाँ के घने जंगलों एवं ऊंची झाड़ियों से होते हुए उनका पीछा किया। उस शक्तिपुंज से एक विशिष्ट प्रकार की ऊष्मा निकल रही थी जिसके अनुभव को शब्दों में लिखना मुश्किल है। उस मुठभेड़ और उस शक्तिपुंज द्वारा पीछा किए जाने के फलस्वरूप उनकी टीम के कई सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। इस स्थान पर अक्सर ही विचित्र आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जिनके स्रोत का कभी पता नहीं लगाया जा सका। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें पर्म जोन में आने वाले गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति बिना किसी इलाज के ही ठीक हो गए। अगर आप अपने जीवन में रहस्य और रोमांच को पसंद करते हैं तो आपको एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके अनुभव बाकी दुनिया के अनुभवों से बिल्कुल अलग हों, लेकिन वो जो भी होंगे कभी न भूलने वाले अनुभव होंगे। हो सकता है कि वहां जाने के बाद आप बरमूडा ट्रायंगल की तरह इस दुनिया में कभी वापस ही ना आ पाएं, क्योंकि वहां के अनसुलझे रहस्यों पर अभी शोध कार्य तो चल ही रहे हैं। खतरे बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन खतरों का क्या जनाब, वो तो कभी भी आ सकते हैं, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। अब इन दिल की धड़कनों को ही ले लीजिए, जिंदगी में कब कहाँ किस मोड़ पर साथ छोड़ देंगी आपको पता है क्या।